देखिए बाबू आप कैसे देखो कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है डॉक्टर आगे चलो आगे चलते। बचना नहीं चाहिए कातिल, नहीं बचेगा। आप अरे आरती का घर किधर है? आरती का घर अरे बस अरे साहब आरती घर वो है ठीक है। दरवाजा खोल, ऐसे नहीं मानेगा, तोड़ देगा सर। खोल दरवाजा, थाने में बताते हैं। शांति। छोटू का मर्डर कौन किया? अरे साहब हमने तो नहीं कर लिया। तुम कौन हो? हम उसके जीजा हैं साहब। जीजा उसके? छोटू को कौन मारा? सर हम नहीं जानते। सही बोल, सही बोल, सही से बोलो, नहीं तो इतना मारेंगे अभी थर्ड डिग्री टॉर्चर देंगे। साहब हम नहीं जानते। तुम कौन हो उसके? हम साहब भाई हैं। कौन किया छोटू का मर्डर? अरे साहब हमने किया जान साहब। सही बोल, तुम नहीं करो। अरे साहब बोल सही साहब, फिर साहब अरे साहब हम काय मारते नहीं इतना साहब, हम कुछ नहीं किया जान साहब। आरती की कौन है? बाप। छोटू का मर्डर कौन किया? सर हम लोग नहीं किए हैं सर। फिर झूठ बोल रहे हो सर? हम नहीं किए सर। मर्डर पूरा ये इंडिया जान रहा है, पूरा लोग जान रहे हैं। आरती आपकी बेटी खुद बोल रही है कि मर्डर आप और आपके भाई और आपके ये दामाद मिलके किए हैं। सर हम लोग कुछ नहीं किए हैं सर, वो खुद आया था तलवार लेकर हम लोग को मारने के लिए हमारे। झूठ बोल रहा है। सर हम सही बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं मार रहे? साहब तलवार लेकर आपकी उम्र कहो, सही सही बताओ नहीं तभी थर्ड डिग्री चार्ज देंगे। सही तो बोल रहे हैं सर, अब मान लो। तुम कौन हो? भाई खुद तलवार लेकर हम लोगों को मारे। सद्दाम ये लोग ऐसा नहीं मानेगा, इन लोग का उपाय करो, थर्ड डिग्री का टॉर्चर दो। पूरा यूपी बिहार में अलावा की मर्डर ये लोग किए हैं, ये तो हम भी बोले, लेकिन साला कोई नाम नहीं ले रहा है कि हम नहीं किया, हमने किया। अभी लोग थर्ड डिग्री का टॉर्चर दो, अभी सब ये पकड़े। अरे सर हम लोग कुछ नहीं किए, आप क्यों हम लोग को मार रहे हैं? ऐसे नहीं मानेगा ये, सही बोला। थर्ड डिग्री दीजिए साहब इसको। अरे सर हम कुछ नहीं किए हैं, आप क्यों नहीं बात मान रहे हैं? ऐसे नहीं बताओगे? अरे साहब खुद तलवार लेकर मारे आए हमने के साहब। इन सबको ले चलो, ये तो झूठ बोल रहा है। सबको ले चलो, चल उठ, खुद चलो, चल चल। सबको ले चलो ए साहब, छोड़ दीजिए साला, ये लोग तो बताएगा ही। अरे ओ सद्दाम, उसके भाई को लेके आओ पहले। ठीक है लेके आ रहा हूं, लेके आओ भाई को। साहब हम कहने के मालूम साहब, अरे नहीं साहब हम कहने के मालूम, घुमा राम इसको घुमा। अरे साहब, अरे साहब घुमा, पकड़ मैं पकड़। अरे साहब हर बाबा, अरे साहब बताओ तो, बताओ तो साहब, अरे बताओ तो साहब, अरे दादा हो, अरे हमने क्यों मर्डर किया? अरे साहब हम बताओ तो, बोलेगा ना? अरे साहब बताओ तो नहीं, बताएगा ना कौन मर्डर किया? बताओ तो नहीं, बताओ तो नहीं साहब। तुम्हारी नानी बताओ तो नहीं साहब, छोड़ो ना छोड़ो।
अरे साहब कौन 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 मर्डर किया? अरे साहब ओ जी जीजा और बाबूजी और हम तीनों लोग करंट से मारे हैं साहब। अरे बाप अब भैया ऊंट पहाड़ के नीचे साला कुछ किए नहीं सर, क्यों आप लोग मार रहे हैं हमको? पहला नंबर हमारी बात सुनो, हाथ पकड़ो उधर से। हम कानून हैं, बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अरे सर तो हम कह रहे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, फिर झूठ बोलोगे? झूठ? अरे सर हम झूठ नहीं, पर सही बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे बाप के सम्मान हैं और मैं ये कदम नहीं उठाना चाहता हूँ। अगर अपने ऊपर अगर आ गया ना तो समझो कि हम तो भूत को पकवा देंगे। अरे सर हम लोग कुछ किया नहीं है। अरे सर आप बात क्यों नहीं मान रहे सर? सीधा सीधा बताओ, छोटू का मर्डर कौन किया? अरे सर हम कुछ किया ही नहीं, हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि बाप के समान हो, बता दो। अरे सर हम को हम कुछ नहीं किया है। नहीं कुछ किया हो? नहीं सर। अरे भाई वो लाइन वाला शॉट लाओ, मंगाए? नहीं सर रहने दीजिए। बको सर अभी बता रहे हैं सर। हम लोग उसको करंट से मारे सर। मारे उन्हें करंट से? हाँ सर। अभी तक तो बोल रहे थे कि हमने मर्डर नहीं किया। अरे सर तो आप लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं सर कि हम लोग टॉर्चर करिए ना सर। छोटू को कैसे टॉर्चर करके मारे हो? ठीक ठीक कोई बात नहीं है। सदाम रम्बानी मोनू इसको लेके जाओ और ठीक जस्ट उसके जीजा को पकड़ के लाओ। चल 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 छोटे साहब हम का कप्लिन साहब एक बात बता जी साहब, कौन मर्डर किया साहब? हमने किया। छोटू का हमने बोल रहा छोट ओके एकदम सत्य सत्य बोलो, कौन मर्डर किया छोटू का? पानी 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 पिलाइए साहब इसको पानी। बोल साहब हमने किया साहब। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? साहब हमारे सार रहने और हम रहने। अच्छा हमारा ससुर साहब सब जन हम मिल के छोटू को बुलाओ गल धोखा से साहब साहब भाई दुखा था साहब साहब बुलाओ गल साहब अब बुला के घर में बंद कर रूम में आ रूम में बंद करके उनके करंट से लगा गोल आ गर्दन में फांस दिया गल साहब। तुम लोग कितने निर्दयी हो बे साहब? अरे कभी तुम लोग सोचे अब ना करो साहब, कभी तुमने ये सोचा कि वो भी किसी का बेटा था है? अरे हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर वो गलती कर दिया तुमने उन लोगों का उसका मर्डर कर दिया अब ना करिए साहब। अरे ना नहीं करोगे? जो मर गया उसको उठा के ला सकते हो? कानून मर गया था कानून का भी सहारा ले सकते थे ना सर। तुमने बोला कि हम अब नहीं करेंगे, छोटू पैदा कर सकते हो ऐसा? नहीं सर। छोटू ऐसा आ सकता है? छोड़ेंगे बेटा सद्दाम से ले जाओ और इन तीनों को पूरा धुनाई करो दबा के और इन्हें ले जाकर कोर्ट से फांसी का आदेश एकदम फांसी इनको लगवाओ। साहब छोड़ दे साहब हमने के मत तीनों का फांसी चाहिए कि ऐसा फिर कोई पैदा न ले किसी के बच्चे बच्चियों को मारने का, या अपना बच्चा हो या किसी का बच्चा बच्ची हो। फांसी मत दे साहब, फांसी हम ना करेंगे। अरे अब नहीं करोगे तो बुलाओ ना छोटू को, पकते हो छोटू आ सकता है, वो भी तो किसी का बेटा था। वो मर गया तो जिंदा करोगे? कर सकते हो? नहीं साहब। तुम्हारे माफी मांगने से छोटू आ सकता है आज? नहीं साहब नहीं आ सकता है ना। चंद मिनटों में तुम लोगों ने ऐसा किया कि छोटू को मौत के घाट उतार दिया। उसकी इतनी ही गलती थी, वो एक लड़की से प्यार करता था, कानून नहीं थे, हम लोग नहीं थे, क्यों नहीं कानून का सहारा लिए? लेके जाओ इसे लोग सबसे पहले सबके हम प्रणाम करते नहीं, जितना श्रोता यानी हमारी भोजपुरी चैनल देख रहा बा, यस आर फिल्म प्रोडक्शन
और आप लोग के बीच में अभी यानी दिखाओल गया कि वीडियो छोटू और यानी आरती के लव स्टोरी के कहानी, जिसमें यानी छोटू का लोग मर्डर हत्या यानी कर देता थे, तो कहानी के दर्शाओल गया आप लोग के बीच में दिखाओल गया कि कैसे ये लोग पकड़े गए हैं और टॉर्चर हुआ है। तो इस तरह का मतलब जो भी है आज देख के सारा मतलब अपना इंडिया के सारे लोग मतलब भयभीत बा, इस तरह का काम आप लोग ना करिए कि कोई मासूम एक बच्चा पकड़ा जाता है, हो सके उसे वो नाबालिग हो या न नाबालिग हो या बालिग हो, अगर गलती कर देता है तो उसे आप लोग पहले पकड़ के उसके माता पिता गार्जियन को सौंपिए या कानून का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लेके उसे सजा दिलवाइए, लेकिन ऐसा इस प्रकार का मर्डर न करिए, क्योंकि मर्डर होने के बाद एक तो बच्चा मर गया दोबारा आ नहीं सकता है, और दूसरी बात जितने लोग हैं जितने लोग मर्डर किए हैं जैसे उनके पिताजी हैं जीजा हैं भाई हैं सारे लोग को जेल हुआ, आज फांसी भी हो सकता है, तो इस प्रकार की गलती आप लोग न करें।